हेलो गाइस, मेरा न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज संडे का दिन है और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हम लोग रांची से करीब 12 किलोमीटर दूर आए हैं एक गांव में। तो गांव का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए। तो आप लोग से ये नजारा देख लिए होंगे, कितना सुंदर है खेत खलिहान का। तो इत्तेफाक की बात यह है कि ये गांव मेरा ही है, यही मेरा बचपन गुजरा है। तो आगे के ब्लॉग में आप लोग को सीन दिखाएंगे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सीन है यहाँ पे। तो तब तक ये बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे नदी है, उधर भी जाएंगे क्या? तो गाइस, अभी आपने देखा कि कुछ विकास है, ये आप जानते हैं इन्हीं का चैनल है। तो इंट्रोड्यूस आपको करवाएं आज के ब्लॉग के बारे में। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं ब्लॉगिंग। तो आज मैं खुशखबरी की बात है कि मैं आज इनके साथ हूँ और मेरा भी भाग्य की बात है। ऐसा बात नहीं है भाई, तो आप लोग इनको तो पहचान रहे होंगे। ये है मिस्टर यश, इनका चैनल का नाम है, क्या नाम है भाई, झारखंडी ब्लॉगर। ये अभी चैनल का नाम अब चेंज हो चुका है, अब इनका चैनल का नाम बता दो दोस्त। तो मेरा चैनल का नाम है यश ब्लॉग्स रांची। जी हाँ गाइज, मैं भी अभी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, यानी कि चैनल तो मोनेटाइज हो गया है आप लोगों के प्यार दुआ से। तो जो लोग आ चुका है मेरा भाई का, तो आज इस खूबसूरत लम्हे को अब इंजॉय करते हैं हम लोगों के साथ और कोशिश करेंगे अच्छी अच्छी आपको व्यूज दिखाएं हम लोग आज। नजारा बहुत मस्त है इधर का। तो हेलो गाइस, जैसा कल लोग ये सब फूल देख रहे हैं जो खूबसूरत खूबसूरत फूल है, तो इसको मैं अभी तोड़ा, देखिए कितना खूबसूरत फूल है, बहुत सुंदर लग रहा है, वाह बहुत सॉफ्ट है। तो गाइस, अगर आप लोगों को पता है कि ये फूल कौन सा फूल है, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि ये खूबसूरत फूल काशी का फूल है। ये गाँव में ही आप लोगों को मिलेगा, इस शहर में यह सबका खूबसूरत नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो इधर फोटो शूट करने के लिए भी बहुत मस्त जगह है। ऐसन भाई, तो बताओ यहाँ का नजारा आप लोगों को, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? तो बहुत अच्छा है, और फोटो वोटो खिंचवाने का भी मन कर रहा है, खिंचवाएंगे। जानते हैं अभी का पहले हम लोग यहाँ आते थे ना, मतलब छोटा में। अब हाँ याद है भाई, हम लोग नदी में नहाने जाते थे छोटा में। तो वहाँ पे मछली, मतलब आप लोग अगर जानते होंगे कौन सा मछली भाई, पोठी गरई सब जानते हैं आप लोग, मगरी, हम लोग वो सब मतलब पकड़ते जब छोटा थे घर में, मतलब बिना बताए आते थे इधर घर में, फिर जाने के बाद हम लोग को डांट भी मिलता था। आज घूमने उधर, आज आप हाँ एकदम जाएंगे वहाँ, आए हैं ना संडे। तो हम लोग बहुत दिन का बाद आ जाए, संडे का दिन है, तो आज भी चल जाते हैं नदी तरफ जहाँ हम लोग बचपन में नहाने जाते थे। छोटा मोटा नदी है और वही नदी का आपको भी सैर कराएंगे। आप देख सकते हैं पीछे धान का खेत है, धान भी फूट गया ना, बहुत दूर दूर तक एकदम 10 किलोमीटर तक लगभग यहाँ पे सिर्फ धान का ही खेती होता है। दोनों तरफ कमी हो गया है, पानी नहीं है खेत में। तो चलिए, अब समय को हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को रिटर्निंग में जाना है 1 घंटे के अंदर। तो अब सीधे मिलते हैं आपसे नदी के पास, चलो। तो हम लोग चलते हैं। ए भाई, देखिए ब्लॉगिंग पे मतलब ब्लॉगिंग करते रहता है हर जगह, अब इसमें क्या दिखा रहा है भाई तुम? छोटा छोटा मछली है यार, कितना सुंदर मछली है यहाँ पे। मछली है ले, अबे मेढक वाला मछली है, इस पे ध्यान, बहुत अच्छा आ रहा है फोटो में। चलो चलो चलते हैं नदी के साइड भाई, टाइम हो गया यार। कादो जानते हैं? कीचड़ बहुत है लेकिन आगे, हाँ कीचड़ या कादो जो भी बोल सकते हैं। बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए वीडियो बना के लाते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ा सा नया, हम लोग झारखंड के हैं ना, झारखंडी ब्लॉगर में आप लोग का स्वागत है। झारखंडे का हुआ भाई सब लोग ही। पहला नहीं रहेगा। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ का पेसिन दिखा रहा हूँ, देखिए कितना हरियाली है यहाँ पे, चारों तरफ से धान का ही खेती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ का खूबसूरती कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही दिनों के बाद यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं, तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग। अबे बच के गिरेगा, पैर गंदा हुआ, पैर गंदा हुआ ना, पैर भी गंदा हो गया यार, ब्लॉगिंग के चक्कर।
चक्कर में। चप्पल खोल के आना था, हम बोले थे तुमको। चलो चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, ये सब खेत में होते रहता है। चलो स्टार्ट। जोहार दोस्तों, जो ये खूबसूरती आपको दिख रही है ना, ये है हमारा झारखंड का खूबसूरती। और दिन तो हम लोग शहर में रहकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको ये जो खूबसूरत ये जो नजारा है वो दिखा रहे हैं आपको। देखिए धान चारों तरफ लगा हुआ। चलो कैमरा रोल कर दो चारों तरफ। धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। आप बताइए, यही सब जमीन पे घर बनाया जाएगा तो फिर खेती कहाँ होगा, एक मुद्दा वाली बात है। तो दोस्तों झारखंड से है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। फिलहाल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो गाइस, आज हम लोग थोड़ा इधर आए हैं घूमने, तो थोड़ा रील्स भी बना लेते हैं। तो रील्स का भी वीडियो आप लोग को दिखाते हैं शूट करके। वन, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। अरे भाई, बच के आना, कुआं इतना डेंजर भरा हुआ है यार, कुआं है। घास पता भी नहीं कहां से इसका गड्ढा है। अरे यार इतना डेंजर कुआं, मछली मछली भी होगा ना, बहुत सारा मछली, सांप भी होगा यार। स्विमिंग पूल जैसा नहाने में मजा आएगा। चलो चलते हैं, ये खतरनाक जगह। अरे यार ये बहुत दिक्कत हो चुका है हम लोग को नदी जाने के लिए। और नदी यही पे नदी है, देख सकते हैं जो। तो दोस्तों नदी अब कोई आता नहीं है, अब इसका यूज नहीं है, इसलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे झाड़ी हो गया, पूरा झाड़ हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा छोटी नाली जो बह रही है। यही है नदी। वह गोलू मत जा अंदर, मत जाओ। अरे मत जा, बहुत गड्ढा है। तो गाइस व्लॉग को तो अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। वैसे आपको नदी देख के तो बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन नदी में अब कोई जाता नहीं है तो पूरा क्या बोले झाड़ी हो गया पूरा नदी में, बहुत कीड़ा है गाइस। तो गाइस ये मेरा छोटा भाई, तो प्लीज सपोर्ट करिए, इसका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो इनका भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। तो गाइस सपोर्ट कीजिए, विदा लेते हैं तब। वीडियो को यहीं पे करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, भूल गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं भाई लोग, ठीक है। और जय हिंद, जोहार झारखंड।